माइनक्राफ्ट जावा एडिशन खेलना हर एक गेमर का सपना होता है, पर सभी के पास पीसी सेटअप नहीं होता। मोबाइल के हिसाब से पॉकेट एडिशन बहुत अच्छा है, लेकिन जावा एडिशन में काफी सारे फीचर मिलेगा। वन ब्लॉक, स्काई ब्लॉक वर्ल्ड, हार्डकोर वर्ल्ड, खतरनाक मोड, शेडर्स, इसमें ही तो माइनक्राफ्ट खेलने का असली मजा। और रेंडर डिस्टेंस का तो बात ही छोड़ दो, बड़े बड़े फार्म बिल्ड करते ही मोबाइल में माइनक्राफ्ट लैग करने लगता है, ठीक से काम नहीं करता। एक्सपी फार्म, मॉब फार्म में ज्यादा मॉब स्पॉन नहीं होता, लेकिन हाउस फार्म बिल्ड करने का ऐसा छोटा मोटा प्रॉब्लम जावा एडिशन में बिल्कुल नहीं। हर तरह की फार्म बहुत अच्छे से काम करता है, कोई भी हाउस कासल एकदम आसानी से बिल्ड कर पाओगे। इसीलिए तो ज्यादातर यूट्यूबर पीसी में ही सर्वाइवल सीरीज चालू करते हैं। घंटों बीत जाने के बाद भी मोबाइल में एक हाउस ठीक से तैयार नहीं होता। कितने अच्छे पीवीपी होते हैं यहाँ पर मोबाइल में पीवीपी करना बहुत मुश्किल काम। पॉकेट एडिशन के बाद अगर इतने सारे कुछ फीचर जावा एडिशन में मिल रहा है तो फिर एक बार ट्राई करना तो बनता है। ऐसे तो जावा एडिशन मोबाइल में डाउनलोड नहीं होगा, इसे खेलने के लिए चाहिए लॉन्चर। फिलहाल मार्केट में 5 लॉन्चर अवेलेबल है और ये 5ों के 5 लॉन्चर बहुत पॉपुलर। सारी लॉन्चर में गेम ट्राई करके ये पूजा लॉन्चर मुझे सबसे बेस्ट लगा। एकदम खतरनाक गेम प्ले, स्मूथ एफपीएस के साथ खेल पाओगे। सेटिंग में हर एक ऑप्शन कंट्रोल पूरा ही जावा एडिशन। तो प्ले स्टोर से पूजा लॉन्चर इंस्टॉल करके सीधा ही खेलने जाओगे नहीं चलेगा। अब ये लॉन्चर में जावा एडिशन कैसे खेले, गेमर्स के लिए वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में जावा एडिशन लॉन्चर में डाउनलोड होकर गेम ओपन हो जाएगा, पर ठीक से नहीं खेल पाओगे। लैग, एफपीएस ड्रॉप और रेंडर डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ते ही गेम अचानक क्रैश हो जाएगा। दूसरे पार्ट में ऑप्टिफाइन इंस्टॉल करके थोड़ा बहुत सेटिंग चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही पूजा लॉन्चर में हाई एफपीएस और स्मूथ गेम प्ले का मजा ले पाओगे। प्ले स्टोर में पूजा लॉन्चर सर्च करते ही यहाँ पर आ गया। इंस्टॉल करके ओपन करते ही कुछ इस तरह के ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आपको माइनक्राफ्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके लिए नीचे इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करो। फिर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन वर्जन में सिलेक्ट करके रिलीज के अंदर सारे माइनक्राफ्ट का वर्जन आ जाएगा। ये कोई पॉकेट एडिशन नहीं, सिर्फ जावा एडिशन का वर्जन। अब यहाँ पर सबसे बेस्ट वर्जन कौन सा है, कौन सी वर्जन मोबाइल में सबसे अच्छा चलेगा, यही चीज कुछ प्लेयर को समझ में नहीं आता, इसीलिए लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करते गेम क्रैश हो जाता है। यहाँ पर वर्जन तो बहुत सारे है, लेकिन मैंने 1.16 से लेकर 20 तक सारे लेटेस्ट वर्जन ट्राई करके देखा। 19 और 20 ये दोनों वर्जन तो मोबाइल में ओपन ही नहीं हुआ। 17 और 18 बहुत लैग करते करते मोबाइल में चल गया था, पर वो सारे खेलने लायक नहीं। 1.16.5 वर्जन सबसे बेस्ट, इसी वर्जन के अंदर माइनक्राफ्ट जावा एडिशन का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिला। ऑप्टिफाइंड मोड, शेडर वगैरह इसी वर्जन में काम करता है, दूसरे किसी वर्जन में ऑप्टिफाइंड मोड नहीं चलेगा। तो यहाँ पे 1.16.5 सिलेक्ट करने के बाद नीचे सेव ऑप्शन में क्लिक कर दो। फाइनली जावा एडिशन मोबाइल में डाउनलोड होने लग जाएगा, 350 के आसपास डाउनलोड हो रहा है। इसके बाद लॉन्चर में गेम चलाने के लिए एक अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। ऊपर एड अकाउंट ऑप्शन में क्लिक करके लॉगिन अकाउंट के अंदर खुद का नाम और उसके पीछे दूसरा नंबर लिख के अकाउंट लॉगिन कर लो। डाउनलोड होते ही ऑटोमेटिक यहाँ पर गेम ओपन हो जाएगा। पूरा जावा एडिशन का कंट्रोल स्क्रीन के ऊपर आ गया, इधर पे माउस, जीयूआई, इन्वेंटरी, ऊपर में चैट, कीबोर्ड का ऑप्शन, पूरा माइनक्राफ्ट हम लोग स्क्रीन से ही कंट्रोल कर पाएंगे। सेटिंग के अंदर हर एक फीचर, हर एक ऑप्शन जावा एडिशन की तरह हो गया। एकदम प्रॉपर जावा एडिशन के स्टाइल में वर्ल्ड क्रिएट कर पाओगे। हार्डकोर मोड खेलने का भी मौका मिलेगा, लेकिन प्ले में क्लिक करते ही ऐसे नॉर्मल गेम यहाँ पर नहीं खेल पाओगे क्योंकि क्रैश हो जाएगा। इसके लिए चाहिए ऑप्टिफाइन। पिन कमेंट से ऑप्टिफाइन डाउनलोड करने के बाद इसे लॉन्चर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव जार में क्लिक करके डाउनलोड फोल्डर में ऑप्टिफाइन आ जाएगा। इसके ऊपर एक बार क्लिक करते ही लॉन्चर में इंस्टॉल हो रहा है। ऊपर साइड में क्रॉस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया। इंस्टॉल में क्लिक करके थोड़ा सा वेट करो, देख सकते हो ऑप्टिफाइन ऐड करते ऊपर में एफपीएस दिखाने लग गया है। थोड़ी देर लोडिंग होती ऑप्टिफाइन सक्सेसफुल इंस्टॉल करके लिखा गया। फिर इस साइड में फोर्स क्लोज ऑप्शन में क्लिक करके बैक कर दो। अभी यहाँ पे ऊपर 3 डॉट ऑप्शन में क्लिक करके वीडियो रेंडर के अंदर रेजोल्यूशन थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि 100% में ज्यादा गेम क्रैश कर जाएगा। 70-80% में बहुत अच्छे एफपीएस आता है। और इसके बाद जावा टूल में क्लिक करके मेमोरी एलोकेशन ऑप्शन, अपने मोबाइल रैम की सबसे आधा या फिर उससे थोड़ा कम कर देना होगा। इसी के साथ लॉन्चर में सारा कुछ सेटिंग हो गया। अब यहाँ पे एरो में क्लिक करके ऑप्टिफाइन के अंदर गेम ओपन करना पड़ेगा। पहली बार ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है। अब गेम के अंदर जैसा सेटिंग मैं बता रहा हूँ ठीक ऐसे ही करोगे तभी हाई एफपीएस मिलेगा। बिना स्किप करे सेटिंग का हर एक ऑप्शन ध्यान से देख लो, और हो सके तो वीडियो पॉज करके एक स्क्रीनशॉट कर लेना। यहाँ पर ऑप्शन, फिर वीडियो सेटिंग में हमें सारा कुछ सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ग्राफिक्स फास्ट रहेगा, स्मूथ लाइटिंग ऑफ, डायनामिक लाइटिंग ऑफ, शेडर तो हमें कोई नहीं चाहिए। डिटेल के अंदर जाके क्लाउड डिफॉल्ट में सेट कर दो और स्काई, सन, मून ऑफ कर दो। इस साइड में स्टार इसे भी ऑफ कर दो। जितना कम रेजोल्यूशन उतना ही अच्छा एफपीएस गेम में मिलेगा। अगर गेम ज्यादा ही लग कर रहे तो फिर यहाँ से फॉग ऑप्शन फास्ट कर देना। यहाँ से बैक करके एनिमेशन के अंदर सारे एनिमेशन को ऑफ कर देना पड़ेगा। एनिमेशन गेम में बहुत सारे लोड डाल देता है, इसके वजह से हाई एफपीएस नहीं मिल पाता, इसलिए ऑफ रहेगा तो गेम खेलने में अच्छा होगा। इसके बाद रेंडर डिस्टेंस, अब लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा ही बढ़ा सकते हो, पर मोबाइल में उतना सपोर्ट नहीं करेगा। 4 रेंडर डिस्टेंस मोबाइल के लिए अच्छा है। इसके ठीक नीचे मैक्स फ्रेम रेट पूरा अनलिमिटेड में सेट कर दो और शैडो ऑफ कर देना। और सबसे लास्ट में क्वालिटी के अंदर जाके बेटर घास, कस्टम फॉन्ट और कस्टम स्काई, ये तीनों ऑप्शन ऑफ कर देना पड़ेगा। फाइनली गेम में सारा कुछ सेटिंग कंप्लीट हो गया है। अब गेम के अंदर जितनी खतरनाक तरीके से माइनक्राफ्ट जावा एडिशन का मजा ले पाओगे, ऊपर में कितना एपीएस आ रहा है, कोऑर्डिनेट गेम खेलते खेलते कितना डे हुआ, किस जगह पर आप लोग खड़े हो, सारा कुछ टेक्स्ट में एकदम जावा एडिशन की तरह दिखाएगा। और बाकी यहाँ पर सारे कंट्रोल के साथ गेम खेलने में बहुत मजा आएगा। मॉब ज़ॉम्बी किल करते खतरनाक इफेक्ट आ रहा है और क्रिटिकल हिट मारने का तो अलग ही मजा। कोई भी आइटम के ऊपर डबल क्लिक करते हो लेफ्ट हैंड में आ जाता है और यहाँ से कोई भी आइटम टॉर्च प्रेस कर पाओगे। अगर हमारे वीडियो से आप लोगों के मोबाइल में जावा एडिशन चल गया तो फिर इसके लिए छोटा सा कमेंट कर दो।